वह एक अमावस की रात थी और सड़क आगे अनंत तक फैली हुई थी। मैं एक थका हुआ यात्री घने भयावह जंगलों से घिरे उजाड़ राजमार्ग पर चला। हवा पेड़ों के बीच से फुसफुसा रही थी, जिससे भयानक छायाएं बन रही थीं, जो मेरी हेडलाइट्स के किनारों पर नाच रही थीं। कुछ दूरी पर मुझे एक आकृति दिखाई दी जो सड़क के किनारे खड़ी थी। जैसे ही मैं पास आया, छायाचित्र से एक सहयात्री का पता चला। उनकी विशेषताएं अंधेरे में डूबी हुई थीं। उनमें कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन अपने बेहतर फैसले के विपरीत मैंने सवारी की पेशकश करना बंद कर दिया। सहयात्री पिछली सीट पर चढ़ गया। उसकी आंखों में एक अस्थिर तीव्रता झलक रही थी। असुविधाजनक, मैंने छोटी मोटी बातें करने की कोशिश की, लेकिन उनकी प्रतिक्रियाएं रहस्यमय थीं और पूर्व ज्ञान की अशुभ भावना से भरी थीं। कार के अंदर की हवा तनाव से भारी हो गई। जैसे जैसे मील बीतते गए, आगे की सड़क एक अभेद्य अंधकार में लुप्त होती प्रतीत होने लगी। आसपास का वातावरण भयग्रस्त हो गया। केवल निकटवर्ती क्षेत्र ही मेरी हेडलाइट्स से रोशन हो रहा था। जीपीएस ने सभ्यता का कोई संकेत नहीं दिखाया और दहशत फैलनी शुरू हो गई। अचानक कोहरे की चादर ने कार को घेर लिया और भूतिया आवाजों ने अस्पष्ट शब्द फुसफुसाए। जैसे ही सभी दिशाओं से आवाजें आने लगीं, तो घबराहट और बढ़ गई। मैंने उस भयानक एहसास से छुटकारा पाने की कोशिश की, लेकिन वह एक भयावह उपस्थिति की तरह मुझसे चिपक गया। मैंने रियरव्यू मिरर में देखा और ठिठक गया। पिछली सीट, जिस पर कभी रहस्यमय सहयात्री का कब्जा था, अब खाली थी। कार का आंतरिक भाग एक अलौकिक चमक में नहा गया और एक हाड़कंपा देने वाली अनुभूति मेरे मन में घर कर गई। मैं अकेला नहीं था। हेडलाइट्स की चमक में जंगल से एक वर्णक्रमीय आकृति उभरी। ये सहयात्री थे, लेकिन अब उनका असली स्वरूप सामने आ गया। एक भूतिया प्रेत के रूप में उन्होंने मेरी ओर हाथ बढ़ाया और मुझे दूसरी तरफ उनके साथ आने के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही मैं झिझका, आगे का रास्ता अनंत अंधेरे में फैल गया। भूतिया सहयात्री चौराहे पर खड़ा था, अनंत रात का मूक संरक्षक। इस एहसास ने मुझे झकझोर दिया। मैं जीवन से परे एक दायरे में भटक गया था, एक ऐसी जगह जहां खोई हुई छायाएं हमेशा घूमती रहती थीं।